वेलकम टू जेबी लर्निंग। मैं आपका टीचर पराग आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। अगर आपने बच्चों पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो फटाफट से जाइए और देख लीजिए, क्योंकि ये है पार्ट नंबर 3। अब हम बात करते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी फेडरलिज्म को इंडिया में किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है, एंड आफ्टर ऑल उसके बाद देखेंगे सेंट्रल और स्टेट का रिलेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, फेडरलिज्म किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस फॉर द फेडरलिज्म बट दिस आर नॉट सफिशियंट, यानी ये कहना चाहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नेसेसरी है लेकिन ये फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए इतनी सफिशियंट नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि फेडरलिज्म की सक्सेस का क्या रीजन है बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर यही एक सक्सेसफुल की है जो फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाती है इंडिया में। लेकिन हमें ये भी बात करनी है कि इंडियन पॉलिटिक्स कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है। तो आपको पता ही है कि 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तब यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। उसके बाद हमने सर्वे किया तो हमें पता चला कि 41% पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, हिंदी। तो बाद में डिसाइड हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, यानी गुजराती पीपल रहेंगे गुजरात में, मराठी पीपल रहेंगे महाराष्ट्र में, तमिल पीपल रहेंगे तमिलनाडु में। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स किया गया। और स्टार्टिंग में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्हें डर था कि अगर लैंग्वेज बेसिस पे अगर हम स्टेट्स को डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन ये प्लान बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा और इंडिया को इसने मोर यूनाइट कर दिया। स्टार्टिंग में लैंग्वेज पॉलिसी वॉज अ मेजर चैलेंज, लेकिन ये इजिली रिजोल्व हो गया बच्चों। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया लेकिन उसे नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, क्योंकि हमें पता है कि 41% पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, हिंदी। आपको पता ही है बच्चों कि इंडिया में नो लैंग्वेज वॉज मेड अ नेशनल लैंग्वेज, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलमोस्ट 21 अदर लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज किया है एज अ शेड्यूल लैंग्वेज, यानी 1 हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड 20 अदर लैंग्वेज है शेड्यूल लैंग्वेज। आपको हमेशा 3 लैंग्वेजेस आनी ही चाहिए बच्चों। एक है आपकी मदर टंग जहाँ भी आप रहते हो, अगर गुजरात में रहते हो तो गुजराती, महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी, और पूरे इंडिया के कम्युनिकेशन के लिए हिंदी एंड इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश। आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेजेस में हमारी एग्जामिनेशन होती है, लेकिन हम हमेशा 3 लैंग्वेज के बेसिस पे चलते हैं, या तो हमारी मदर टंग, या तो हिंदी, या तो इंग्लिश। आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों सेंटर और स्टेट के रिलेशन। आपको पता ही है कि 1947 के बाद में इंडिया में एक ही रूलिंग पार्टी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रूल करती थी, जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी। लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्ग पीरियड के लिए रूल करती है तब काफ़ी ज़्यादा बार वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर से स्टेट गवर्नमेंट के पावर को अंडरमाइन कर देती है। तो हम कहेंगे समटाइम्स द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट व्हेन अंडरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट आफ्टर 1989 ड्यू टू मल्टी पार्टी सिस्टम कोलेशन गवर्नमेंट वॉज फॉर्म, यानी कि 1947 से 1989 तक रूल था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उसके बाद स्टार्ट हुई मल्टी पार्टी सिस्टम और कोलेशन गवर्नमेंट। कोलेशन गवर्नमेंट का मतलब होता है बच्चों कि जब कोई भी पार्टी लोकसभा में फुल मेजोरिटी के साथ विन नहीं है तब 2 और मोर पार्टी मिलकर जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसे कहते हैं कोलेशन गवर्नमेंट। इसी से जो हमारा इंडिया है वो स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री बनता है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू।